बैक पाकिस्तान को ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो हम खबरें सुन रहे हैं उससे एक तासुर तो बन रहा है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, आपको क्या फ्यूचर लग रहा है? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। देखिए, अल्लाह पे भी ट्रस्ट हमें होना चाहिए और पूरी मुल्क भी दुआ करती है, हम लोग भी दुआ करते हैं, लेकिन बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। 2024 से जो है 2025 में जो है, जैसे इन्होंने पहले भी कोड किया है कि हमारी जो पेट्रोलियम की मसनूआत है या उसमें वो काफ़ी जो है वो कमी लेके आएंगे, तो आवाम के लिए जो है कहीं ना कहीं कुछ खुशखबरियाँ हैं थोड़ा बहुत ही, लेकिन ये रिलीफ जो है ना कुछ ज़्यादा देर के लिए नहीं चलेगा, ये रिलीफ भी लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, बट फिर भी अल्लाह से दुआ है कि अच्छा रहे हमारे कैमरामैन परेशान हो गए, आपने जब कहा ना मुख्तसर वक्त के लिए रहेगा। जी जी, लिमिटेड वक्त के लिए रहेगा। जी जैदी साहब, पाकिस्तान के लिए ये दो माह बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन आने वाले वक्त में सूरत हाल चेंज हो जाएंगी और जो रिलीफ है चंद चीज़ों में वो मिलता रहेगा, लेकिन मुमकिन है कि ये रिलीफ थोड़े से के लिए हो। और जो पूरी दुनिया की अगर ओवरऑल चीज़ों की सूरत हाल देखी जाए, क्योंकि जब से ये 2020 से आप चलें और आज 2024 आ गया, तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का पूरी दुनिया को सामना करना पड़े, जंगें हो रही हैं, जंगें हैं, कोविड आया है, तो ये 2029 तक चलनी है, ये जंगें भी, वबाएं भी, और ये जो एमरजेंसी की सूरत हाल है ये पूरी दुनिया में ओवरऑल ये चलने, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, ना पाकिस्तान किसी के इन सब हालात में पाकिस्तान। लेकिन जिस वक्त यहाँ पर थोड़ी सी अगर लाहौर से किसी दूसरे इलाके में बारिश हो तो मुमकिन है ठंडी हवा इधर भी आती, तो मुमकिन है इतना तो कुछ असर होगा पाकिस्तान को, लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इन जंगों से या इन मामलों से मुतासर होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया को 2029 तक चैलेंजेस का सामना रहेगा और सारी दुनिया के साथ पाकिस्तान की तरफ ठंडी हवाएँ आएंगी, गर्म हवा तो नहीं आएगी। हाँ, दुआ तो यही है कि अल्लाह करे ना कोई गर्म हवा पाकिस्तान को लगे। ऐसा पाकिस्तान कहाँ पर देख रहे हैं? पाकिस्तान पॉलिटिकल चेंजेस जितनी रैपिडली पाकिस्तान में हो रही हैं और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटिकली जितना हमें मैसअप नज़र आ रहा है इतना है नहीं, और आगे जब पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी और असल बात कि गवर्नमेंट अपोजिशन के हालात, जिस समय कह रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी पाकिस्तान का, ख़ासतौर पे अगले तीन चार महीने जो 2024 की चले बात करते हैं हम, 2024 का पाकिस्तान का बड़ा सॉफ्ट इमेज आगे जाने वाला दुनिया को। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, पाकिस्तान में दूसरी दुनिया के लोग आके इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, पाकिस्तान किसी वॉर में शामिल नहीं होगा, किसी भी किस्म के जो टेररिज्म के वाकयात नज़र इक्का दुक्का नज़र आएंगे वो भी नहीं आपको नज़र आएंगे, चीज़ें ठीक हो रही होंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बार बार कह रहा हूँ पाकिस्तान में आने के चांसेस हैं, अगले दो महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ही गवर्नमेंट अपोजिशन की बातें अगले 10 दिन में 15 दिन में स्टार्ट होंगी, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की कीमतों में कमी, पेट्रोल फ्यूल बाकी एनर्जी क्राइसिस ये सारे ख़त्म होते नज़र आएंगे, इनमें प्राइसेस नीचे आएंगी, और आप अगर मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक जो आ रहा है इसी में आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर ही प्राइसेस डाउन होने से और महंगाई की आपको सारा वो रेशो देंगे कि हमने ये सर्वे किया और ये महंगाई इतने फ़ीसद कम हुई है, ये चीज़ों में कमी हो रही है, ये चीज़ें सारी गवर्नमेंट अपना परफॉर्मेंस आखिरी दो महीनों में ये जो 2024 है इसमें बहुत बेटर परफॉर्म करेगी और आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिलनी। तो एक बात पर तो तीनों का इतफाक़ हो गया कि पाकिस्तान के हालात ये जो 2-3 माह हैं आगे भी बेहतर होने जा रहे हैं। जी, इतफाक में बरकत है, इतफाक में कर लिया आप सबने। हाँ जी, इमरान खान आपको कैद से बाहर नजर आ देखने में नजर फेवर्स मिलने के चांसेस फेवर्स मिलेंगे फेवर्स मिलने के चांसेस कैद रहेगी कह सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, इसके ऊपर एक एक बस में ड्रामेटिक चेंजेस होंगी और वो मुद्दत पूरी करने के पूरे चांस में है और अपने करियर में बहुत बड़े डिसीजंस लेंगे और मुल्क को और अपनी पार्टी को और अपोजिशन को साथ लेने की 80-90% कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब रहेंगे। मुद्दत पूरी बहुत कम इम्कान है मुद्दत पूरी करने के। ठीक, वैसे एज ए प्राइम मिनिस्टर इनका जो स्टार है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन जो पैदाइशी जो इस इलेक्शन का जो पैदाइशी जायचा है वो कमज़ोर है। सर, ऐसा है जून जुलाई में तब्दीलियां शायद हो सकती हैं।
हो सकती है। आपको ये मुद्दत पूरी करते नजर नहीं आती है? मुद्दत पूरी करते हुए नजर आ भी रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं, तो आप सही कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं ये बात कर रही 2024 अगर क्रॉस कर लेते तो मुद्दत पूरी कर जाएंगे। 24 क्रॉस हो गया तो मुद्दत पूरी हो जाएगी, फिर कर जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया जी आप तीनों मेहमानों का, शेख अजीम हनीफ साहब, जनाब सैयद अली रजा जैदी साहब और जनाब सलमाना शाह साहब। आप तीनों ने ये शख्सियात के ऊपर नज़र भी डाली, और सबसे जो अच्छी बात मेरी जो दिल को लगी वो ये है कि पाकिस्तान के हालात अच्छे बेहतर होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी खबरें आ भी रही हैं, और मज़ीद भी मेरी जो अपनी इतलात हैं ये तो सितारों का इल्म है या लकीरों का, वो ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी शख्सियात ऐसी जिस तरह से अभी देखें डॉक्टर जाकिर नायक आए हैं, एक इम्पैक्ट है बहरहाल आगे भी जाएगा। तो मुझे जो मेरी मालूमात है वो ये हैं कि कुछ ऐसी इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ जिनका मुख्तलिफ शोबों से जिनका ताल्लुक हो सकता है, और पाकिस्तान में जब वो आएँ तो पाकिस्तानी जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत खुश हो, बड़ा अच्छा लगे उन्हें। इसकी खबरें हैं जो एक्चुअल है, मेरे पास कोई इल्म नहीं है सितारों का, मैं अपने सोर्सेज की बुनियाद पर ही बात कर रहा हूँ। लास्ट में अगर इजाज़त दें, पाकिस्तान इंडिया के हालात ठीक होने जा रहे हैं आप बता रहे हैं? मीडियम रेशो, हाँ जी ठीक होने जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के हालात ट्रेड स्टार्ट होने वाली है, ट्रेड के साथ जिस तरह आपके मीडिया फनकार फिल्म ये वो सारा कुछ हो रहा है, ये सारी दोबारा लोगों की आम तरफ दोनों तरफ शुरू बिल्कुल शुरू हो जाएगी। वैसे भी नवाज गवर्नमेंट में या नून लीग की गवर्नमेंट में ये कोशिश होती है, आपको इस वक्त ये नजर आ रहा है 100% होगी, पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड स्टार्ट होगी और बड़ी हेल्दी पॉजिटिव फ्रूटफुल ट्रेड स्टार्ट होगी। ठीक हो गया जी, अल्लाह करे ऐसे ही हो जो हमने सब ने सोचा देखा और इन्होंने अपने इल्म के मुताबिक हमें बताया कि जो जो अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं पाकिस्तान के लिए वो इसी तरह हो जिस डायरेक्शन में इन्होंने देखी हैं, पाकिस्तान का हाल अच्छा हो, पाकिस्तान तरक्की करे। अपने मेज़बान फरूख़ को जा दीजिए लाने के